कैन आई टेल यू अ फन स्टोरी. हम तिरुपति जा रहे थे फ्लाइट में और आई थिंक ये शूटिंग के 6 महीने पहले था और स्क्रिप्ट अभी अभी हाथ में आई थी और मैं इतनी एंथुजियास्टिक थी कि मुझे रीडिंग्स करने थे. और फिर मैं और शरण फ्लाइट में बैठे थे और जोर जोर से मैं फ्लाइट के बीच में रीडिंग्स करने लगे और शरण इतना पैरानॉइड हो गया क्योंकि उसे लगा कि कोई रिकॉर्ड करेगा, सीन लीक हो जाएगा ना. उसे कितनी किसी को पड़ी नहीं है, मैं चिल्ला चिल्ला के रीडिंग्स कर रही थी फ्लाइट में. I just by chance stumbled upon this article I read online from Gupta ma'am, and I just 3-4 line hi likhe the ki ma'am was 24 during the time of Kargil. She flew an unarmed chopper, so there was no weaponry on the chopper. Rescue pilot thi aur unke bhai bhi Kargil mein saath mein the aur unke father army mein reh chuke the. So just few lines are very interesting, and I actually put the article to Karan sir, saying ki sir, this article is interesting, because I was an assistant to Karan sir at the time. उनसे मिलने से पहले मुझे ऐसे लग रहा था, you know, she's from the Air Force. You know how you imagine people from the forces or from the military to be strong and like, how's the Josh High, so, you know, the little stereotypical, not stereotypical, but like you have an idea that they'll be rough and tough and rigid. And firstly, physique-wise, she's quite small. She had a very delicate demeanor, quite a feminine and a delicate demeanor. That's one thing that I noticed about her. And I think just she was very matter-of-fact about many things. Even in her expression, she was never overwhelmed by emotion, or if she was, it was always dictated by logic. So, बस यही pick up करने की कोशिश की मैंने. Not directly as such, but then, as you currently said, आपने बोला, I'm a huge fan, huge follower. तो बचपन से वो ज़हन में है, kitchen में actually conditioning. मैं 12-13 साल का था जब तिरोड़ा और रोजा आई थी, वाज लाइक 12-13 ईयर ओल्ड बॉय. तब से लेके आज तक तिल दिल बेचारा, आई लिसन टू ऑल हिज म्यूजिक वेरी क्लोजली एंड बहुत डीपली जाकर सुनता हूँ. तो आई एम लाइक अ प्रॉपर फैन बॉय. तो वो इतना साल की कंडीशनिंग है, तो जब भी मैं आई एम डूइंग माई ओन म्यूजिक, इट्स नॉट दैट डेलिबरेटली आई एम नॉट कि आज मुझे ऐसा गाना करना है, दिस इज ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करना है, वो सब वो नहीं करता मैं. I am just trying to be myself, but wo it's there in my subconscious. ये मेरे back of my mind है. तो maybe भारत की बेटी could say it is the conditioning that I have grown up with. I'd say it's the culmination. He माँ तुझे सलाम से भारत की बेटी. किसी भी director का मुझे लगता है सबसे अच्छा brief होता है एक अच्छी script. अगर उसने आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट थमा दी तो आपको यू नो वहीं पे आपका आधा काम आसान हो गया. शरण, निखिल, हुसैन जो राइटर्स हैं, तीनों ने मिलकर इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी कि एक बेस तो ऑलरेडी था. फिर उसके ऊपर जो शरण है पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्यार इतना है अपने क्राफ्ट से, अपने सब्जेक्ट से, कि थरडली वो एक होता ना फर्स्ट पहली बेंच पे बैठने वाला स्टूडेंट जिसको हर सवाल का जवाब पता है. मैम आई नो, सो ही न्यू ऑल द आंसर्स. तो वो फिर वो आधा काम वहां आसान हो गया. एक ब्रीफिंग सीन है जहां विनीत सर मेल पायलट को ब्रीफ कर रहे हैं और सॉर्टिंग मशीन मेरी थी और हम दोनों जाने वाले थे, लेकिन वो सिर्फ उनकी तरफ देख के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. तो ऐसे आई थिंक अनइंटेंशनली उन लोगों को शायद एहसास भी ना हुआ होगा और मुझे भी शायद एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सीन करते वक्त मुझे याद आया कि हाँ, कई बार कोई डायरेक्टर ने शायद ये किया होगा मेरे साथ. बट आई डोंट थिंक उनका एजेंडा कभी ये था कि मैं इसको ज्यादा ये देना चाहता हूँ. आई थिंक इट्स जस्ट इट्स सो सबलिमिनल, ये कंडीशनिंग ही होता है. एंड आई थिंक कि द मोर हम ये सारी चीजों को पहचान पाए, उतना ही जल्दी हम आइडेंटिफाई करके इसे, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हमें इससे लड़ना है, बट आई थिंक अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है और एक क्वालिटी की तरफ बढ़ना इम्पोर्टेंट है. मैम वाज वेरी इन्वॉल्वड फ्रॉम द राइटिंग टू द
to spending time with Janvi, to helping even the ADs, art, production design, costuming, edits, technical language. Ma'am was our creative support, almost like our writer, collaborator, right through the process. Actually, ulta, because I spent so much time in the studio. It's like close to 12, 13 hours in the studio, creating music, listening to music, and music is so much, itna integral part of life ka. जब भी मैं स्ट्रेस होता हूँ या डाउन होता हूँ आई डू नॉट लिसन टू म्यूजिक आई वांट साइलेंस एक्चुअली ऑपोजिट होता है इट्स अ स्ट्रेंज थिंग बट साइलेंस वर्क्स बेटर रे आई थॉट यू से यू कॉल मी ओ दैट्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स आफ्टर द साइलेंस नो बट ही इज राइट क्योंकि मैं भी क्योंकि हम ये काम करते हैं तो कभी एफएम वगैरह सुनना होना तो मुझे लगता है नौकरी पे आ गए If it is, I'm not complaining. I'm sitting here in front of you. It's one of the rare occasions that I've been invited to a junket. So if it's because of our song, then great. First edit was locked. We had shown the film to ma'am. So it was a very big day for us. I remember we were all in the office. And I actually, ma'am said, Sharan, why don't you sit and watch the film with me? So I was okay, Radhe, cool ma'am, okay. And while watching the film, I was like, ये क्या हो रहा है? The ma'am is sitting and watching herself. I'm sitting behind. It is getting too nervous, so I didn't watch the second half with ma'am because then it hit me as to what is actually happening. I was very cool about it earlier. And Janvi and me were at the office and we got a bit nervous कि कैसे होने वाला है. But yeah. I think the talk with which ma'am met us and it was just a feeling that felt that the ma'am is happy, which is important for us. लखनऊ में सेकंड शेड्यूल के दौरान बहुत गर्मी थी 48 डिग्रीज आई थिंक एवरेज था मतलब कड़क धूप और तो तभी स्ट्रेस बस्टर वहाँ लस्सी पीती थी मैं बहुत मलाई वाली लस्सी तीन तीन चार चार दिन में तो वो स्ट्रेस बस्टर